अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको की लॉगर के बारे में बताऊंगा और हम देखेंगे इस ट्यूटोरियल में कि हम कैसे ख़ुद का एक की लॉगर सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो की लॉगर बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके सिस्टम के ऊपर बैकग्राउंड में रन होता है और साइलेंटली जितनी भी की स्ट्रोक्स आप अपने कंप्यूटर पर करते हैं उन सबको ये रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इसका फ़ायदा यह है कि फ़ायदा लोग तो वैसे तो लोग इसे हैकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप ये जो की लॉगर सॉफ्टवेयर है किसी के सिस्टम में इंस्टॉल कर दें और उसे प्रोग्राम कर दें कि वो जितनी भी की स्ट्रोक्स जो है अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहा है आप वो सारी की स्ट्रोक्स अपने ईमेल पे के ऊपर हर 5 मिनट बाद या जितना भी टाइम आपने सेट किया हो उसके बाद वो आपके मेल पर सेंड करें। तो इसको हम देखेंगे कि जावा के अंदर हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसे लाइव रन करके हम अपने सिस्टम पे देखेंगे कि किस तरह से ये सिस्टम की जो की स्ट्रोक्स हैं उनको कैप्चर करता है। तो इसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी। एक तो हमें जे नेटिव हुक ये जो लाइब्रेरी है जार है जो कि हम यूज़ करेंगे और इसके इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके अपने प्रोग्राम को कम्प्लीट करेंगे। तो ये जे नेटिव हुक के आप डाउनलोड कर लें गूगल से, इसका एक जार है। उसको डाउनलोड करने के बाद आपको इक्लिप्स आईडीई जो है फेमस आईडीई है इक्लिप्स की जावा डेवलपमेंट के लिए ये आपको चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ सोर्स में जाके बिल्ड पाथ और कन्फिगर बिल्ड पाथ पर क्लिक करूँगा। यहाँ से लाइब्रेरी के टैब में जाके मैं ऐड एक्सटर्नल जार करूँगा। यहाँ से आपकी जो भी नेटिव हुक की जो जार है लाइब्रेरी उसको सिलेक्ट करके और ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट हो जाएगी। इंपोर्ट करने के बाद आपने एक नई क्लास बनानी है, जिस तरह मैंने यहाँ पर माइक की लॉगर के नाम से क्लास बनाई हुई है। और नेटिव हुक जो लाइब्रेरी है इसका एक इंटरफेस है नेटिव की लिसनर। नेटिव की लिसनर को इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट करने के बाद इसके ये जो चार मेथड्स हैं ये हम अपने पास तीन मेथड्स हैं इनको अपने पास ओवरराइड कर लेंगे। वैसे तो इसके और भी बहुत सारे मेथड्स हैं माउस की पोजीशन को, माउस के एक्सिस को ट्रैक करने के लिए, मगर जो की प्रेस की के लिए हमें ज़रूरत है वो ये तीन है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला मेथड है कि नेटिव की प्रेस्ड, तो ये मेथड उस वक्त रन होगा कि जब आपके सिस्टम के ऊपर कोई भी की प्रेस होगी। तो यहाँ से इसके ऊपर मैंने ये एक लाइन लिखी है कोड की जो कि बेसिकली क्या कर रही है कि जो भी की प्रेस हो रही है उसको सिंपली प्रिंट कर रही है। बाकी दो मेथड्स की हमें ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। यहाँ पे ये करने के बाद यहाँ पे हम अपना मेन मेथड लिखेंगे और मेन मेथड के अंदर हमने सबसे पहले ग्लोबल स्क्रीन डॉट रजिस्टर नेटिव हुक, अपना जो नेटिव हुक है इसको हमने सबसे पहले रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद हमने यहाँ पे ये जो ग्लोबल स्क्रीन जो क्लास है इसका इंस्टेंस लेना है, क्योंकि ये सिंगलटन है तो गेट इंस्टेंस के मेथड के थ्रू इसका इंस्टेंस लेके अपना जो नेटिव की लिसनर है वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसके आर्गुमेंट के अंदर अपने लिसनर जो कि हमारी क्लास है जो हमने क्रिएट की है वो की है। तो अब मैं अगर इसको रन करूँ तो यहाँ से जो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बिंग पे चला गया हूँ तो यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च करूँ HOOK करके इंटर करूँ तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि इसने मेरा जो ग्लोबल स्क्रीन है उसने मेरी कीज़ को कैप्चर कर लिया। हालांकि ये प्रोग्राम जो है या ये जो कंसोल है ये मेरे फोकस में नहीं था, आउट ऑफ द फोकस। अब मेरा फोकस ये ब्राउज़र है तो जहाँ जो भी की मैं प्रेस करूँगा जहाँ भी अपने सिस्टम के ऊपर ये सारी कीज़ को अपने पास कैप्चर कर लेगा। लेट्स से कि अगर कोई यहाँ से मैं अगर अपना जीमेल के अकाउंट पर जाऊँ और यहाँ से जो भी मैं जीमेल की अपनी इन्फॉर्मेशन लिखूँगा वो सारी की सारी यहाँ मेरा जो की लॉगर है ये अपने पास रिकॉर्ड कर लेगा। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि यहीं पर आप यहाँ पर अपना इसको जो अगर ऑनलाइन कोई डेटाबेस है तो उसमें डायरेक्टली यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं या अपने मेल के ऊपर आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ से सिंपली आपको करना क्या है कि इसको एक्सपोर्ट करना है एज़ अ जार, उसको अपने तरीके से प्रोग्राम करके आप किसी भी सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ की सारी की स्ट्रोक्स जो है वो आप
आसानी से ले सकते हैं।